Hello friends, my name is Ayushi Jain and today topic is on drafting. The topic is complaint. Complaint का मतलब क्या होता है ये चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी. Complaint का section जो आता है वो section 2 clause G के अंदर आता है. मैंने पहले last class में भी आप लोगों को बताया था, अपनी last video में आप लोगों को बताया था कि जो section 2 होता है वो definition section होता है और definition section के अंदर कभी भी sub section नहीं आता. Section 2 के बाद ये clause बोला जाता है, clause G. तो complaint का section 2 clause D है. कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिगेशन, कोई भी तथ्य क्रिएट कर रहा है, कोई भी किसी पे चार्ज लगा रहा है, ओरली लगा रहा है या रिटन में लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं कंप्लेंट. जैसे सपोज़ कोई पर्सन चोरी करता है, चोरी करने के बाद हमें है कि इसी ए पर्सन ने चोरी करी है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं हम पुलिस स्टेशन में जाके, तो उसको बोलते हैं कंप्लेंट. एलिगेशन लगाना कि इसी पर्टिकुलर पर्सन ने ये काम किया है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करना, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी नहीं पता तो भी हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. वो ओरली भी कर सकते हैं और रिटन में भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर के फ्रंट में बैठकर ही ये सारे काम हो सकते हैं, ठीक है. और किस मेन पॉइंट ये रहता है कि पुलिस स्टेशन में जाके जो हम अब कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में पुलिस या इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी इंक्वायरी निकालेगी और कोई एक्शन वगैरह लेंगी, ठीक है. ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसका ओवरऑल बता दिया कि कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है. अब लॉ की लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लेंट का मतलब होता है, कंप्लेंट सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर आता है. इट मींस एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन लगा रहा है, कोई भी किसी के अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहा है, वो ओरली में लगा रहा है एलिगेशंस या रिटन में, कैसे भी हो सकते हैं, ओरली भी रिटन में भी, लेकिन किसके पास लगेंगे, वो मजिस्ट्रेट के पास. किस वजह से लगेंगे कि पुलिस ऑफिसर कोई एक्शन पुलिस कोई एक्शन लेगा उस कोर्ट के अगेंस्ट में, जो भी हमने एलिगेशंस लगाए हैं, जिस भी पर्सन ने कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास लगाई है, वो इस व्यू से लगाई है कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा पुलिस स्टेशन में, ठीक है. इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ओरल और रिटन एलिगेशन दो तरीके के, या तो ओरली आप कोई उसके अगेंस्ट में कोई बातें क्रिएट करें या रिटन में कोई अगेंस्ट में बातें क्रिएट करें. पर्सन नोन अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, पर्सन जिसको आप जानते हैं उसका तो नाम आप बता ही देंगे कि मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, जो भी पर्सन है, वट एवर द नेम इज, तो उसका नाम बता ही देंगे कि पर्सन का नाम जो मिस्टर एक्स अगर नोन है तो उसका नाम बता देंगे कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया और इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं. अगर कोई अननोन पर्सन है, अननोन इन द सेंस जिसको हम नहीं जानते, उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि केवल नोन पर्सन के अगेंस्ट में ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप वेदर इट इज़ नोन पर्सन और वेदर इट इज़ अ नोन पर्सन, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफ द पर्सन, ओके. थर्ड पॉइंट आता है मेड टू अ मजिस्ट्रेट, कौन किसके पास लगाएंगे कंप्लेंट जो फाइल करेंगे, पुलिस स्टेशन में फाइल करेंगे इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, मेड टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू किस पर्पज से, कि वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है. ये रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस कि आपको ये चारों चीज़ें मेंशन करनी होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, वो ओरल और रिटन एलिगेशन, पर्सन चाहे वो नॉन हो चाहे अननोन हो, जिसने भी ऑफेंस क्रिएट करा हो वो मजिस्ट्रेट के पास लगाएंगे और किस पर्पज से, कि वो कोई एक्शन लेंगे, ठीक है. लेकिन इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है. पुलिस स्टेशन में जाके तो बनाते हैं इसको, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, कब कहाँ क्या कैसे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. तो कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है. ओवरऑल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कंप्लेंट के अंदर. ये मैं बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें इतना इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे. कंप्लेंट सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर आता है. इसका मतलब ये होता है कोई भी एलिगेशन किसी भी पर्सन के अगेंस्ट आप कोई एलिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्सन नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, आप उसको ओरली रिटर्न में कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट होगा और किस पर्पज से, इस पर्पज से लगाएंगे वो कंप्लेंट कि वो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़
बेल का मतलब आप लोगों को पता ही है, पुलिस कस्टडी से रिलीज़ करा देना जिसने भी कोई बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो कस्टडी में है तो उसको बेल पे छुड़वा लेना कुछ समय के लिए, फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बेल। बेल सेक्शन 437 के अंडर में आता है, सेक्शन 437। ठीक है, सेक्शंस मेंशन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी तो नहीं है बीकॉम में, बट अगर आप कर देते हैं सेक्शंस को मेंशन तो बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा और मार्क्स गेन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, बेल का सेक्शन आता है 437। इसमें क्या, रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब जिसने भी कुछ बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। कस्टडी ऑफ द ऑफिसर, किसकी कस्टडी में था वो, ऑफिसर की कस्टडी में यानी कि पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एंट्रेंस टू प्राइवेट कस्टडी, उसको कुछ समय के लिए प्राइवेट कस्टडी में भेज दिया जाता है, किस लिए, क्योंकि उसको बेल पे छूट है ना। तो एंट्रस्ट टू प्राइवेट कस्टडी, प्राइवेट इसका मतलब ये है कि प्राइवेटली उसको अलग रख देना, क्योंकि जेल के अंदर था वो, जेल से उसको प्राइवेट कस्टडी में पहुंचा देना। ये कब हो सकता है, केवल तब जब उसको बेल पे रिलीज़ करा दिया जाए और आंसर बाय एक्यूज एट अ सर्टेन डेट और टाइम की, आंसर देने के लिए जब भी एक्यूज को बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट वगैरह में हियरिंग होगी, जिस भी समय उसको बेल आफ्टर बेल एक्यूज को बुलाया जाएगा, तो एक्यूज ये बोलेगा कि हाँ मैं उस समय अवेलेबल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस समय भी मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं प्रेजेंट होऊंगा, जिस भी दिन जिस भी टाइम पे बुलाया जाएगा उस टाइम पे एक्यूज वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इस अगर वो एक्यूज ये मतलब प्रॉमिस करता है, इसी प्रॉमिस के साथ ही उसको क्या करा जाएगा, रिलीज़ किया जा सकता है। और दूसरा ये भी बातें होती हैं कि आउट ऑफ इंडिया छोड़ के जहाँ पे भी उसने वो ऑफेंस किया है, आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकता, इतने वो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है उस पर्सन के ऊपर। ये क्वेश्चन आ जाता है बेल और एंटीसिपेटरी बेल के बीच में डिफरेंस। तो बेल तो सेक्शन 437 के अंदर आता है और एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन 438 होता है। ठीक है, अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जिसमें केवल और केवल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही ग्रांट कर सकते हैं। बेल तो आपको कोई भी कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही दे सकता है। अपने भी बस जिसने भी नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, केवल और केवल किसके लिए है ये, नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिस भी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है। और वो ग्रांट कौन करता है, केवल दो कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, और किस केस के लिए होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए होता है। थर्ड चीज़ क्या याद करनी है कि वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तीन चीज़ें, तीन पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन 438 होता है, दो सेकेंड पॉइंट कि दो कोर्ट्स ग्रांट कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल, कौन कौन सी, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। थर्ड पॉइंट, वही पर्सन कमी ऑफेंस क्रिएट, जिसने भी जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है और उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, वो एंटीसिपेटरी बेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका एक केस लॉ हुआ था स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस आर के कृष्ण कुमार, ये भी आया हुआ है काफ़ी केस। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मस्ट बी गिवन टू अपोजिट पार्टी, दोनों पार्टीज़ को बोलने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ सिंगल पार्टी को ही दिया जाएगा। इस केस लॉ के अंदर ये आया था, दोनों पार्टीज़ को इक्वल राइट है कुछ भी अपनी बातें कहने का और रखने का। पूरा ओवरऑल एक बार और, बेल और एंटीसिपेटरी बेल के बीच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बेल मतलब कि रिलीज़ कर देना एक्यूज को फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द ऑफिसर। एंटीसिपेटरी बेल वो होता है जो पर्सन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, जिसने नॉन बेलेबल